आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया और उसके बाद अब देश प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जो राजनीतिक दल हैं वो जोर बनाए हुए हैं और सबसे अहम जोर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता दल और केंद्र की सत्ता दल पार्टी बीजेपी बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसका ताजा वाकया बीते दिनों भी आपने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी और सबसे उनका फीडबैक भी लिया था और ये भी बताया था कि आखिर काम कैसे करना है। लेकिन उनके अलावा जो उत्तर प्रदेश की अन्य राजनीतिक दल हैं या दूसरे प्रदेशों के जो अन्य राजनीतिक दल हैं या सेंट्रल में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे और विधानसभा चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार लखनऊ आए थे। उस दौरान वो एक तस्वीर के साथ निकले थे और उस तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर उन्होंने हाथ रखा था और उस तस्वीर के बाद कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी और उस तस्वीर का नतीजा भी आप सबने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक बयानबाजी चल रही थी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उन सारे सवालों को ख़त्म करती हुई वो तस्वीर ये बताती हुई सामने आई थी कि आखिर सब कुछ ठीक है और नतीजा भी कुछ उसी तरह से ठीक ठाक आया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचती हुई सत्ता में काबिज हुई। लेकिन बीजेपी के काबिज होने के बाद अब सबसे अहम उनके सामने टारगेट है उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन पर कैसे बेटर परफॉर्म करना, कैसे यहां पर जो सीट शेयर है उसे और बेहतर करना पिछली बार के मुकाबले। लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी जो नीतियां हैं उन नीतियों के आधार पर हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे और एक बड़ी जीत एक बार फिर से 24 में दर्ज करेंगे। और इस बीच वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए सबसे प्रमुख है, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट हम जीत कर दिखाएंगे। आखिर ये कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर क्यों बढ़ते जा रहा है, ये विपक्षी दलों को सोचना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों राजधानी लखनऊ में थे, मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और लगभग सभी को ये बताया कि आखिर अब आगे की तैयारी कैसे करनी है, सरकार कैसे चलानी है, अब तक कैसे काम किया। कुछ लोगों को फटकार भी पड़ी है, कुछ लोगों को डांटा भी गया है कि आप लोग उलझुलूल बयान मत दीजिएगा, आप जनता के बीच जाइए, जनता से मिलिए, जनता को प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए और ये बताइए कि आखिर हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हमारे सामने इस वक्त सबसे अहम टारगेट है 24 का चुनाव। इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बनाए रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद और अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले भी ये सक्रियता देखी जा रही है उससे ये साफ साबित हो रहा है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम है। यहाँ पर कैसे 80 की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर कैसे जीत दर्ज करनी है, कैसे उसमें बेटर परफॉर्म करना है, कैसे जो रिजल्ट है या फिर जो सीट शेयर है उसे बेहतर करना है, इन सब को लेकर चर्चा विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, वो आखिर इतना सन्नाटे में क्यों हैं? सबसे अहम समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, हालांकि अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर हैं, अखिलेश यादव कई सारी फोटोज को ट्वीट मारते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव पीड़ित परिवारों के घर भी गए थे, लेकिन क्या इन सबसे और सिर्फ अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव और उसकी तस्वीर बदली जा सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है? हालांकि एक आंकड़े के अनुसार अगर चर्चा और विचार विमर्श किया जाए, शोध किया जाए, तो यह पता चलता है कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उन नतीजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे प्रमुख जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हुई है। लेकिन ये मजबूती विधानसभा चुनाव में जो देखी गई थी, क्या लोकसभा चुनाव में बनी रहेगी अगर समाजवादी पार्टी के बाकी नेता सक्रिय नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं रहेंगे, जैसे कि बीजेपी में दिख रहा है?
लगातार बीजेपी अपने नेताओं को ये हिदायत दे रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है मंत्रियों को कि वो अपने अपने मंडलों में, अपने अपने ज़िलों में रहें या जिन ज़िलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वहाँ पर जाएं, जनता के बीच रहें। तो आखिर ये जिम्मेदारियाँ दूसरे राजनीतिक दलों को क्यों नहीं समझ आ रही है कि वो अपने नेताओं को ये जिम्मेदारियाँ सौंपें ताकि अभी से 24 की तैयारी की जा सके। ये तो बात हो गई सपा की। कांग्रेस की बात करी जाए तो विधानसभा चुनाव में नतीजा अच्छा नहीं आया। चुनाव से पहले काफ़ी तैयारियां थी, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहीं, कई मुद्दों पर उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल होने का भी दावा किया, अच्छे नतीजे की भी बात कही थी, लेकिन नतीजा बेहतर नहीं आया। और अगर नतीजा बेहतर नहीं आया तो क्या इसी वजह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश वापस लौट कर नहीं आई? अभी तक हार पर समीक्षा करने भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखा। आखिर क्या कारण रहा कि कांग्रेस अब 24 की तैयारियां उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है? उधर बसपा की बात करी जाए तो विधानसभा चुनाव में उनका नतीजा बहुत बेहतर नहीं रहा और आज भी मायावती की तरफ से हर बार की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे देश का भला नहीं होगा, इससे जनता का भला नहीं होगा, जनता को सोचना ज़रूरी है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर है कि क्या सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में बाइट दे देने से, बयान जारी कर देने से उत्तर प्रदेश में 24 की तैयारियाँ विपक्षी दलों के लिए कारगर सिद्ध होंगी? और इन सबके बीच में जो उत्तर प्रदेश में कई सारे अहम मुद्दे आ चुके हैं, जिसमें ज्ञानव्यापी हो गया, ताजमहल हो गया, हनुमान चालीसा अजान हो गया, इन सब पर लगातार बीजेपी अपनी पकड़ बनाती जा रही है, विपक्षी दल भी इस बात को कह रहा है, समझ रहा है, तो आखिर विपक्षी इतना शांत क्यों बैठा हुआ है? और अब एक और अहम मुद्दा आज ये आया है कि अब जो नए मदरसे खोले जाएंगे, शुरू किए जाएंगे, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान नहीं दिया जाएगा। आखिर क्यों? ये भी सवाल एक बहुत अहम है और बहुत बड़ी खबर भी है। इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्षी दलों की तैयारियां इस आने वाले 24 के चुनाव में कैसी हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और बीजेपी जो केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में रिपीट कर चुकी है, उसकी तैयारियों के सामने विपक्षी दलों की तैयारी आखिर कैसी है? आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। आदरणीय योगी सरकार ने मदरसों को लेकर जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने अनाप शनाप मदरसों को बढ़ाकर क्वांटिटी तो बढ़ा दी थी लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे मदरसों में, उसका काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। आज आधुनिक शिक्षा कंप्यूटरीकरण किया है, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछली सरकारों ने ये जो मदरसे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिनको अनुदान दे रही थी, वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं ओबलाइज करने का काम कर रहे थे। खास करके अगर सपा की सरकार देखी जाए, बसपा की सरकार देखी जाए, मदरसों में कोई क्वालिटी नहीं थी, अपने लोगों को खाली लाभ पहुंचाने के लिए मदरसे दिए जा रहे थे और उससे बहुत नुकसान भी हुआ है। आज हम एक स्तर की, अच्छे स्तर की पढ़ाई लेकर आ रहे हैं, आज हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने का अवसर दे रहे हैं, आज हम आईएएस आईपीएस बनने का अवसर दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा आधुनिकीकरण किया है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फैसला और पर्याप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। अब इससे ज़्यादा मदरसों को अनुदानित करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वही वाली बात हो जाएगी जो पिछली सरकारों ने की है। हम क्वालिटी पर काम कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को उससे लाभ पहुंचाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए या मिसयूज़ करने के लिए मदरसों को अनुदानित कर रहे थे, जिसका सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। आज बच्चों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, पर्याप्त जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश भर में पढ़ना चाहते हैं, मदरसे से निकलना चाहते हैं आगे, उसके लिए 562 मदरसे उत्तर प्रदेश में अनुदानित हैं और लगभग 9000 शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़े स्वरूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है सरकार मदरसों को लेकर, और उसमें यह बहुत अच्छा कदम साबित होगा, इससे बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता आएगी। प्रत्येक विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अस्पष्ट नीति है, कोई भी स्पष्टता नहीं। कभी वो राष्ट्रगान की बात करते हैं मदरसों में, अरे सभी इस देश के प्रति प्यार करते हैं, कभी अनुदान बंद करते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी हालत है कि सरकारी स्कूल जिनमें 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, धार्मिक ध्रुवीकरण करना, यही भाजपा का चरित्र है जो पूरे भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है। लोग महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, अत्याचार, अपराध से परेशान हैं
और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे निर्णय ले रही है जिससे समाज में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण का संदेश जाए। जनता इनको नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी शिक्षा का इंतजाम करती रही, योगी जी की सरकार आज मोहल्ले मोहल्ले में शराब खाने खोलने में लगी हुई है। इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो हमने शिक्षा मित्रों का इंतजाम किया, ग्राम पंचायत स्तर पे प्रेरक का इंतजाम किया कि लोग जाकर बच्चों को स्कूल तक ले आए। मदरसा बोर्ड जो है ये कोई खैरात का पैसा नहीं है जो सरकार उन्हें देती है, भारत के मुसलमान भी नागरिक हैं। तो जो मदरसा बोर्ड में 2017 से टीचर स्पेंडिंग थे, अपॉइंटमेंट स्पेंडिंग थे, 17 से लेकर आज तक एक भी शिक्षक भर्ती नहीं किए गए। तो बेसिकली बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो जाहिल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो मदरसा बोर्ड पे जो ये पूरा हमला है, ये मदरसा बोर्ड पर ना होकर शिक्षा की कोई उत्तर प्रदेश सरकार के पास नीति नहीं है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो कौन सा ऐसा शोभा है कि जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो? खुद मुख्यमंत्री जी कहते पाए गए हैं भाजपा कार्यकर्ताओं से कि थानों में दलाली बंद कर दो। ये सब दिखाता है योगी जी की सरकार के पास ना कोई आइडिया है, ना उत्तर प्रदेश को लीड करने का कोई विजन है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जावेद अहमद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोणार्क दीक्षित हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा मोहम्मद नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर और मदरसा बोर्ड के सदस्य भी हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नईम भाई, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। सरकार की तरफ से एक बहुत अहम फैसला आज लिया गया है। ये फैसला ये है कि जो नए मदरसे होंगे उन्हें अनुदान नहीं दिया जाएगा। किस नजर से इस फैसले को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है, और अभी ज्ञानयापी का मंदिर का भी मसला हल हुआ नहीं है, और ये बीच में मदरसा बोर्ड का जो ये आके रख दिया है। वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी में जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो बड़े स्कूल में या कॉन्वेंट में नहीं जा पा रहे थे, या कह लीजिए कि जो हमारे विद्यालय में नहीं जा पा रहे थे, तो वो कहीं तक के हद तक के लोग, वो गरीब लोग थे जो मदरसे में बहुत ही कम पैसे से उनका एडमिशन होता था, तो वो लोग वहाँ से भी जाने के लिए अब वो इसके मतलब वो नहीं जाना चाह रहे हैं, और उनको लिए कोई ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं या उनको रोका जा रहा है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि मुस्लिम एक समुदाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ जो है शिक्षित ना होने पाए। अच्छा। कि उनके अंदर जागरूकता ना आए कि वो जो मतलब जो कुछ क्वेश्चन कर सके प्रधानमंत्री जी से। तो मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा का है विषय, वो हम तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने ये निजी का उसके लिए बंद करने के लिए कहा है कि हम अनुदान नहीं देंगे, तो ये गलत फैसला है। ये गवर्नमेंट का ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको लगता ही है कि शाही साहब ने जानबूझ के या बीजेपी ने जानबूझ के ऐसा किया? देखिए, मुसलमानों के ऊपर वो चाहे, अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में उसका हिजाब को लेके था, वहाँ पे कितनी बच्चियों का एजुकेशन छूट गई जो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई। उन्होंने कहा मुझे एजुकेशन में अगर आगे बढ़ना है तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ कि मैं अपने खाली हिजाब में करके मैं अपने आप को पढ़ूंगी, और उसके बाद में उसने ये भी कहा कि कैंपस के अंदर तक के मैं आऊँगी बुरके में, उसके बाद में मैं क्लास में जाऊँगी तो एक ड्रेस में जाऊँगी। फिर भी ऑब्जेक्शन था कर्नाटक का, मतलब जो हाईकोर्ट का, लेकिन वहाँ से वो लोग महरूम हो गए। लेकिन बहुत ये कहूँगा कि मुस्लिम लोगों को बहुत ही शिक्षा से दूर किया जा रहा है, और ये गवर्नमेंट, मैं तो ये मानता हूँ कि मुसलमानों के विरोधी है। ठीक है, अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं। शाही साहब, एक बड़ा फैसला आज आप लोगों की तरफ से लिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि नए वाले जो मदरसे हैं उन्हें अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो नईम साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम कौम पढ़े और आप लोगों से सवाल पूछे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, आप लोग लगातार चुनावों की तैयारियों में हैं 24 की, क्या ये सही बात है? और अगर ये सही है तो विपक्षियों में भी कैसा लग रहा है कि वो भी किसी प्रकार से तैयार हैं 24 के लिए? देखिए नितिन जी, नईम भाई ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है। हाँ। चलिए नईम भाई बात को एक बार मान भी लेते हैं। हाँ। ये मुस्लिम विरोधी है। हाँ। क्या जन कल्याणकारी योजनाओं में मुसलमानों को हम नहीं दे रहे हैं?
कौन सा मुसलमान परिवार है जो उत्तर प्रदेश के बड़े अस्पतालों में आयुष्मान योजना में अपने घर के बच्चों का अपने लोगों का इलाज नहीं करा रहा है? कौन सा मुस्लिम परिवार ऐसा है जो अधिकतर जिसको हमने मकान नहीं दिए जो गरीब है? किसने राशन, नई भाई ने क्या राशन नहीं लिया, या इनके जानने वालों के परिवार में जो उस श्रेणी में आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या राशन उन्होंने नहीं लिया? क्या शिक्षा में ही अगर अनुदानित किया गया था अखिलेश यादव जी के सरकार में और उसके बाद 2003 से हमने अनुदान बंद कर दिया, हमने क्वालिटी शिक्षा की बात की है, हम माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री जी जो है ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान रहेगा और एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा, तो मदरसों में हम दीनी शिक्षा को ये लोग पढ़ाएं लेकिन हम उसमें साइंस और से लेकर कंप्यूटर तक की शिक्षा को अनिवार्य कर रहे हैं, तो हम मुस्लिम विरोधी हैं भाई। सरकार अगर इनके कहने से चल रहे हम मुस्लिम विरोधी हैं। लेकिन सारी बातों को धता बताते हुए मेरा ये कहना है कि कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो योजनाएं बनाई हैं वो 24 करोड़ जनता के लिए बनाई हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, और हमारा नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास शामिल है, हमने उस नारे में सबका प्रयास जोड़ा है, तो ये नई भाई जैसे लोगों का प्रयास नहीं है उसमें। अच्छा। क्योंकि हर चीज में नेगेटिविटी फैलाना और उस चीजों को एकदम से एक सिरे से खारिज कर देना, उसमें अच्छाई क्या है, दुर्गामी परिणाम क्या होंगे, बेहतर कैसे चलेगा, शिक्षा व्यवस्था को हम बेहतर कैसे करेंगे, इस पर भी ध्यान देने की बात। ठीक है, 24 वाली बात बता दीजिए इसको जी, 24 वाली बात बता दीजिए, क्या आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं और विपक्षी दल कहीं से दिख रहे हैं आपको कि टक्कर दे सकते हैं? 24 में का जो रिजल्ट है वो 22 में लगभग तय हो गया है। अच्छा, जिस तरीके से जनता ने हम लोगों को भर भर कर आशीर्वाद दिया और सारे विपक्षी दलों को लगभग नकार दिया, क्योंकि इतना मतलब जो नेगेटिव राजनीति की गई सपा बसपा और कांग्रेस के द्वारा जो नेगेटिव पॉलिटिक्स की गई उसका जवाब 22 में दे दिया कि एक उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेता जो हमारे सुख दुख में खड़े होने वाले हैं वो है योगी आदित्यनाथ, उनको कुर्सी पर बैठाया और इन लोगों को हटाकर किनारे करके कि आप लोग अभी दूर रहिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है और उसके निर्माता जो है आदित्यनाथ जी के हाथों में उसका निर्माण करने की चाबी है। ठीक है सर, तो आज हम लोग उस चीज पर पूरी तरीके से कृत संकल्प है, 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए हमने सब कुछ किया है और 2024 का चुनाव भी वही 24 करोड़ जनता हमको देगी और 75 पार का नारा हम देते हैं, हमारा मिशन 75 चालू है। ठीक है, कुणार्क दीक्षित हमारे साथ कांग्रेस से हैं। कुणार्क, शाही साहब ने साफ तौर पर कह दिया 75 प्लस हम जाएंगे क्योंकि आप लोगों की नेगेटिव पॉलिटिक्स से जनता परेशान थी, उन्होंने हमें चुना और हमें चुनती रहेगी, क्या कांग्रेस ने कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी है? तो शाही साहब क्यों कह रहे हैं? शाही साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तोड़ों की राजनीति में विश्वास रखते हैं और कांग्रेस जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखती है। जिस तरह अभी कांग्रेस में भारत जोड़ो अभियान चलेगा, पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश का भ्रमण करेंगे, जनता से सीधे जाके मिलेंगे, उनसे सीधे कनेक्ट करेंगे। ये तो चुनाव के पहले प्रियंका गांधी भी कर रही थी लेकिन चुनाव के बाद वो बिल्कुल गायब हो गई। अब प्रियंका जी आई थी, अभी हैं, अभी वो चिंतन शिविर में थी, वो कहीं गायब नहीं हुई है। क्या हमारे कामों में कमी रही, क्यों हम कनेक्ट नहीं कर पाए, इस पर पूरा चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है और हम पूरी ताकत से फिर 24 में आएंगे, हमें पता है। अच्छा, हम बिल्कुल आएंगे। ये मदरसों को लेकर के भी सरकार को जो फैसला आया, इसको आप किस नजर से देखते हैं? मेरे ख्याल से इसको हमें हिंदू और मुस्लिम की नजर से नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब बराबर हैं और बराबर हैं तो उनके अधिकार भी इस देश में बराबर होना चाहिए। अब जैसे बीजेपी के लिए मुस्लिमों में एक परसेप्शन है, वो क्या है हम सभी जानते हैं, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आखिर आप सोचिए कि वो परसेप्शन क्यों है और वही परसेप्शन की वजह से ये तोड़ने की राजनीति इनकी चल रही है। शाही साहब कह रहे परसेप्शन होता तो क्या मुस्लिम राशन नहीं ले रहा है, क्या इलाज नहीं करा रहा, तो सब तो मिल ही रहा है उन्हें, तब काहे का परसेप्शन आप बता रहे हो? अच्छा, आप मुस्लिमों को सब कुछ दे रहे हैं उसके बाद भी मुस्लिम आपसे खुश क्यों नहीं है, बताइए शाही साहब, बताएं, इसका जवाब दे मेरे को। ठीक है, मैं ये आप लोग वही तो आओ शाही साहब नकारात्मकता फैला रहे हैं, सुन लीजिए शाही साहब हमारे साथ हैं, सुन लीजिए फिर मैं आऊंगा। हाँ, तो अगर आप मुस्लिमों के लिए इतना कर रहे हैं तो मुस्लिम आपसे खुश क्यों नहीं है, ये बताइए। ठीक है,
ठीक है। और जिस तरह से आपका परसेप्शन है कि नहीं, एक अंदर जो परसेप्शन चलता है, तो अगर एक ये भी है कि एक मतलब सामने नहीं बोला जाता लेकिन ये कि मुस्लिमों के लिए तो भाजपा ये है और भाजपा बिल्कुल वो है, तो अगर ऐसा भी है तो फिर आप अपनी पार्टी में मुस्लिमों को क्यों रखते हैं? आप एक साफ साफ बोर्ड देश के सामने लगा दीजिए ना कि बीजेपी में मुस्लिमों का आना सख्त मना है। आप सामने से मुस्लिमों को साथ भी रखते हो, सबका साथ सबका विकास, और पीछे से आप मुस्लिमों के लिए क्या बात करते हो वो हम मैं बोलना नहीं चाहता, सभी जानते हैं। तो दोहरे चरित्र की राजनीति इस देश में कौन कर रहा है? ये शाही साहब भाजपा कर रही है। कांग्रेस के लिए जितना हिंदू है उतना ही मुस्लिम है, उतना ही सिख है, उतना ही ईसाई है। हम सभी को बराबर मानते हैं, चाहे जिस दौर में भी आज देश चल रहा है हम लड़ेंगे और 24 माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं। जावेद अहमद हमारे साथ सपा से। जावेद भाई, कितनी तैयारी आप लोगों की चल रही है, क्या आगे पहुंचा है मामला, किस तरह से 24 की रोड मैप जो है वो आप लोगों की तरफ से तैयार किया गया है? क्योंकि बीजेपी को तो देखा जा रहा है कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ तैयार है, और शाही साहब कह भी रहे हैं कि हम 75 प्लस जीत जाएंगे, क्या कहना है? लेकिन जिस तरीके से सुनील भाई बता रहे हैं, इस देश के अंदर जिस तरीके की नकारात्मक राजनीति की गई है पिछले 8.5 वर्षों में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में जो जनता के मुद्दे से उनको बाईपास करके हर चरण में किस तरीके से सनसनीखेज बयानबाजी और किस तरीके से नकारात्मक दिशा में पूरा चुनाव ले जाकर जनता को किस भ्रम में डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। शाही साहब कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स आप लोग करते थे, जनता आप लोगों से परेशान थी। अच्छा ये बताइए, नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या थी? नेगेटिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा था, समाजवादी पार्टी ने या दूसरे विपक्षी दल? में उनकी भी बात कर रहा हूँ। मुद्दे से, जनता के मुद्दे से हटकर एक बयान कोई नहीं दिखा सकता। ये लोग क्या कर रहे थे? कहीं पर किसान बनाम कुछ, कहीं पर 80 बनाम 20, कहीं पर गजवे हिंद, कहीं पर यादव बनाम अदर, कहीं पर फलाने बनाम फलाने। ये जो राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थी, और कहने के लिए आज भी देखिए वही है। पार्ट टू आ गया योगी जी का, पिछली सरकार के पार्ट वन के हेल्थ सिस्टम किस तरीके से कोलैप्स हुआ, वो तो ब्रजेश पाठक खोल रहे, कोई और नहीं खोल रहा। विपक्ष को तो आरोप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था कहाँ पर चली गई है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोरोना काल के पहले से जो भाजपा के सांसद है, जनसंघ के तो बहुत बड़े नेता थे एक समय, उनका कद अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अधिक था, और आपातकाल में वही अकेले जेल नहीं गए थे, और राज्यसभा की उन्होंने अपनी सदस्यता भी बचा ली। तो वो कहते रहे कि केंद्र सरकार में, हमारी सरकार में तो अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। आज वही कारण है कि आप देखिए कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाना पड़ा। क्या होगा, किसान दोहरी मार में जा रहा है, 400 रुपए प्रति क्विंटल किसान को नुकसान होगा, जो निर्यात रोका गया है, पीडीएस सिस्टम पूरा कोलैप्स होने जा रहा है। ये आज किसान की जो फसल है, गेहूं कितना कमजोर अभी हुआ है, ये जो कारण है अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए चीन और पाकिस्तान को पहले सुन लीजिए पूरा, आधा दून निर्यात कराया और आज निर्यात पे रोक लगा दी। अब पीडीएफ सिस्टम को भी किस तरीके से आपने पहले तो लाभ के लिए बांटा, एक लाभार्थी वर्ग बड़ा सीना ठोक के आपने तैयार किया, अब आज उसमें तरह तरह के किंतु परंतु लगाए जा रहे हैं कि मकान है तो नहीं मिलेगा। अरे मकान है, रोजगार नहीं है, भूख से मरेगा क्या वो आदमी? बिजली का बिल लोगे जबरदस्ती, बिजली आए या ना आए, नगर निगम टैक्स लेगा ही लेगा। तो आप सारे टैक्स की वसूली करोगे, जनता के ऊपर बोझ लादते रहोगे, और सरकार अपने नैतिक दायित्व से और संवैधानिक दायित्व से भी दूर रहेगी। और उसके बाद अब आप रिकवरी करेंगे 25 रुपए किलो गेहूं की और 29 रुपए किलो चावल की। ये जो सिस्टम बना रखा है, मदरसे तो छोड़ दीजिए, ये 500 मदरसे 4.5 साल में, इसमें तो अब शिक्षक भर्ती भी नहीं होने जा रही है। वो भी अंदर ही अंदर बीजेपी अपने समर्थक वर्ग को, अपने वोटर वर्ग को वो एक संदेश देने का काम करती है कि हमने देखो एक समुदाय विशेष को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने के लिए ये रणनीति बना ली है। अच्छा। जो उसको पहले गवार मुसलमान रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चमकती रहेगी, वो इनकी सोच ये है। ये जिस तरीके की राजनीति, मुझे कोई चिंता नहीं, मदरसे
जिनको चलाना होगा वो चलाएंगे, मदरसे तो आज भी चंदे से चल रहे, ये 552-562 मदरसे अगर अनुदानित हैं, तो आपने जो 42 अनुदानित हो गए थे मुलायम सिंह जी की सरकार में, उस अखिलेश जी की सरकार में, उसको तो आपने फाइली दाखिल दफ्तर कर दी, अब भर्ती भी आपको नहीं करनी, जब शिक्षक ही मदरसे में नहीं जाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे क्यों? दावा ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का कि हमने विपक्षी सरकारों से अधिक किया, अरे वो भैया हर साल लैप्स भी हो जाता है, वो आपके आंकड़े का खेल है, आंकड़ेबाजी के खेल में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से माहिर है। आप मदरसे बंद कर देंगे, जब इस देश के अंदर हजारों हजार मदरसे चल रहे थे अनुदानित नहीं थे, तब भी वो चंदे से चलते थे। आप अगर एक तरफ कहते हो कि हम धार्मिक शिक्षा का बोझ सरकार वहन नहीं करेगी, तो कुंडलिन योग वैदिक संस्कृत इनकी फैकल्टियां क्यों यूनिवर्सिटियों में चल रही हैं? तो धार्मिक शिक्षा से आप पूरा हाथ खींच लीजिए, लेकिन वो कथनी और करनी में अंतर है, उनको एक संदेश देते रहना है, नकारात्मक राजनीति करनी है, और जब नकारात्मक राजनीति करनी है तो इनके मुद्दों पर कोई जवाब विपक्ष को देने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, हम जनता के सरोकार से जूझ कर चुनाव मैदान में रहेंगे, चाहे हमें विजय मिले या पराजय मिले, हम अपने मुद्दे को अपने रास्ते को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, सबकी बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, कौन कितना मजबूत है, 24 में कौन किसे टक्कर दे सकता है? देखिए नितिन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2024 के अंदर अभी के वर्तमान के हालात को अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे पाएगा। अच्छा, इसकी शुरुआत तो 2022 के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाकर दिखाई दी। रही बात यहाँ पे टक्कर देने की, तो मुझे ये नहीं लगता है कोई टक्कर दे पाएगा। जैसे कुणाल भैया बैठे हुए, इन्होंने बोला कि कांग्रेस आएगी बहुत प्रचंड बहुमत से और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनाएगी, तो मैं यहाँ पे कुणाल जी को बोलना चाहता हूँ कि 100 साल के इतिहास के अंदर पार्टी कांग्रेस जब बनी है उसके इतिहास को अगर देखा जाए, तो अब 6 जुलाई को इन्हीं के एमएलसी दीपक सिंह जी, जिनका 6 जुलाई या 3 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो इस बार विधान परिषद के अंदर कांग्रेस 0% सिमट जाएगी, यानी सबसे बुरे हालात के अंदर ही चल रही है। 2022 का चुनाव खत्म हो गया, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा गया था, प्रियंका गांधी चुनाव हारने के बाद में अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार हार के लिए मंथन करने के लिए नहीं आई, जो कि बोलती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ मेरा दूसरा घर है, नहीं आई। तो विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, विपक्ष तो बिल्कुल नगण्य हो चुका पूरी तरीके से। अगर विपक्ष फिर भी इस तरह की अगर अपने आप को दिखाना चाहता है कि नहीं हम सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत से, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाएंगे। नितिन जी, यहाँ पे मेरा काउंटर सवाल इनसे रहेगा, जो इन्होंने बोला, इन्होंने शायद नईम जी ने बोला कि मुस्लिमों की विरोधी या मुस्लिमों के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं इससे इत्तेफाक कह रहे थे कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिमों के बच्चे इतना पढ़ लें कि वो सरकार से सवाल पूछें, और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने इस तरह से उल्लेख नहीं किया, जैसे कि अभी जावेद भाई ने बोला कि धार्मिक शिक्षा, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि मदरसों के अंदर 80% धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मस्जिदें हैं इनकी, मस्जिदों के अंदर भी सुबह सुबह उसमें अलिफ बेत वगैरह सिखाया जाता, धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो जब धर्म की शिक्षा मस्जिदों के अंदर दी जाती है, तो उसके बावजूद आपको सरकारी अनुदान से धार्मिक शिक्षा लेने की क्या जरूरत है? यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के विरोधी है, तो मैं समझता हूँ मुस्लिमों के विरोधी नहीं है, ये नईम भाई जैसे लोगों ने एक अपना परसेप्शन बना के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी है। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर विरोधी रहती है, तो सरकारी लाभ अगर मिल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लाभ लेना छोड़ दीजिए ना, आप क्यों लाभ ले रहे हैं? आपने परसेप्शन बना के रखा शुरू से कि भाजपा हमारी विरोधी है, भाजपा हमारी विरोधी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बने, उसके अंदर कई मुस्लिम चेहरे मंत्री है, केंद्र के अंदर कई चेहरे मुस्लिम मंत्री है, इवन इस बार के 2022 के चुनाव के अंदर भी कई मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो जो ये जान चुका है कि मुस्लिम हमारे विरोधी, वो तो यही सोच रखेगा, और जो मुस्लिम ये जान चुका है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है, वो कभी इस बात का उल्लेख करेगा यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी दुश्मन है। ठीक है, हाँ नहीं भाई, क्या कह रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, शाही साहब भी बोल रहे थे, तब भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम का जो मदरसों में इन्होंने जो शिक्षा जो पाते हैं, वो तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुस्लिम के जो मदरसे हैं वो चंदे से चल रहे हैं, और इनकी बीच में जो ये आई थी कि हम जो है मतलब आधुनिक तौर पे मदरसे चलाएंगे, जो आम जो कॉलेजेस में होते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है कॉन्वेंट में, उस तरीके का उनको मैं बनाना चाहता हूँ, वहाँ से भी हम लोग चाहते हैं कि आईएएस पीसीएस और डॉक्टर इंजीनियर वहाँ से भी मदरसों से भी निकले।
जब आपने हमको इतना लालीपाप देके जब इतना हमको दिखाया कि हम आधुनिकरण बनाएंगे और इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने टीचर्स हों, इतना ये हो, जब वो सब अपनी उस पर लग गए और तैयारी करने के लिए लग गए, तो खाली इन्होंने एक शगुफ्ता छोड़ दिया कि मैं जो हूँ आपको आधुनिकरण करने के लिए, मदरसों के लिए मैं आपको इस वो दूंगा, आपको सहायता दूंगा। तो आप ये सहायता तो छोड़िए, आपका इस वक्त इस पैटर्न पे 1.5 साल रह गए हैं इलेक्शंस के, आपने ये सोचा है कि 2022 को तो हम गेम मार लाए हैं और मुस्लिम से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो बिल्कुल इनके एक मन में एक कहीं से मन मुटाव आ रहा है कि मुस्लिम का मुझे वोट लेना नहीं है और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दो। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये जब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कि हमारा सबके साथ सबका विकास, तो आप ये बताइए सबका साथ सबका विकास, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारे सारे मुद्दों पे आप इसी टाइम में जब इलेक्शन आता है तब सारे मुद्दे, चाहे वो शाही साहब तो कह रहे हैं कि क्या आप लोग राशन नहीं ले रहे हैं, आपके कोई परिचित राशन नहीं ले रहे, कोई इलाज नहीं ये करा कोई रहा है, कहां पे ऐसा ये हो रहा है नितिन जी, कोई हमको देके ये 5 किलो ये देके पर यूनिट पे, मैं तो बता दे रहा हूँ कि अगर उस तरीके देखा जाए तो एक आदमी पे 50 kg आता है, 50 kg आता है। जिस तरीके से हमारी से GST ले रही है गवर्नमेंट, जिस तरीके हमारे ऊपर वसूला जा रहा कर, तो उस हिसाब से क्या GST, क्या पेट्रोल, जिस तरीके से आपका गैस OCNG वगैरह पे वसूला जा रहा है या गैस सिलेंडर वसूला जा रहा है, आप ये बताइए इस वक्त 77 रुपए के उस और 21 पैसे जो है डॉलर के मुकाबले पे हमारा आ गया है पैसा, आज हमारा कहाँ पैसा कहाँ पे स्थिर हो रहा है, हमारे देश की तरक्की कहाँ जा रही है, हमारी GDP कहाँ जा रही है? पैसा वैसा छोड़िए, अभी जो मुद्दा है उस पे बात करें। असल यही मुद्दे पे है कि इन्होंने सिर्फ लालीपाप दिया है कि सबका साथ सबका विकास, मैं ये जानता हूँ, ये कुछ आगे नहीं करना चाहते मुसलमानों के साथ। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, अभी आपने बोला कि जो भी मदरसे संचालित हो रहे थे अब तक वो आप लोगों की कम्युनिटी से जो चंदा लेके उसे संचालित किए जा रहे थे, तो भैया जब चंदे से ही संचालित हो रहा था तो उसके बाद में अगर नए मदरसों को योगी जी ने या गवर्नमेंट ने जो फरमान जारी किया है उस पर जरा आप लोग ध्यान दीजिए, नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। नहीं, एक चीज और है, अगर चंदा दिया जा रहा था तो क्या सपा सरकार भी आप लोगों को सपोर्ट नहीं करती थी? अब ये तो सपा सरकार के जो सपा समाजवादी पार्टी के नहीं भाई, बताए मुझे जी भाई, तो कह रहे बिल्कुल 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 सवाल इनसे बनता है। लेकिन जब चंदे वाली बात इन्होंने बोली तो जब चंदे से ही चल रहा है तो जब अनुदान नहीं मिला इसके अंदर इनको नाराज होने की बात ही नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि चंदे का सुनकर कई मदरसों ने टेक्नोलॉजी वगैरह जो सेटअप वगैरह स्थापित करना शुरू कर दिया था, तो भैया जिनको चंदा मिल रहा है या जो आर्थिक अनुदान के अंदर आ रहे थे अब तक, मैं फिर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ ये बोला है कि अब से नए मदरसों का अनुदान नहीं मिलेगा, ये नहीं बोला कि पहले जिनको अनुदान मिल रहा था उनको बंद कर दिया जाएगा। तो भैया जिनको अनुदान मिल रहा है नईम भाई, वहां पे सेटअप करिए ना, वहां पे आप इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर निकालिए बना के, किसने रोका नईम भाई? देखिए ये लोग करनी और कथनी में नितिन जी बहुत फर्क है, ये लोग कहते तो बहुत हैं और टीवी पे आप चिल्लाते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ, लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह जो हैं बहुत साइलेंस है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा मनमोहन जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साइलेंस बहुत थे, लेकिन बोलते बहुत थे, काम बहुत करते थे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं बातें बहुत करते हैं, 2500 योजनाएं लेके आ गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितनी योजनाओं के ऊपर काम चल रहा है, कितनी योजनाओं के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि रनिंग में चल रही है, आप ही को हमको ठीक है। शाही साहब से जवाब लूंगी, शाही साहब। नितिन भाई हम इस पे जरा सा 10 सेकंड का दें, जावेद भाई। हाँ देखिए, अभी हम नईम भाई की भी बात सुन रहे थे, सुभाष भाई की भी बात सुन रहे जी। देखिए दो, मैं नईम भाई से कहना चाहता हूँ, देखिए ये 562 मदरसे हैं, इनमें अब आगे भविष्य में शिक्षक भर्ती होनी नहीं है, और जब भर्ती नहीं होनी तो ये मदरसे जो अनुदानित है ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, पहली बात मैं नईम भाई से ये कहना चाहता हूँ और मैं खुद उसको भी स्वीकार करता हूँ, हमारी हमारे समाज के जो धन संपन्न लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए तो कोई जतन किया नहीं, ये हमारे साथ दुर्भाग्य है इस देश में। हम अगर अलीगढ़ और जामिया को अगर लेकर अगर अपना सीना अगर गौरवशाली अगर समझते हैं, तो हमारे ही पुरखों ने जब अलीगढ़ बन रहा था तो किस तरीके से सर सैयद अहमद खान के साथ मिसबिहेव भी किया था। आज अगर अलीगढ़ ना होता तो हमारा समाज, जामिया ना होता तो हमारा समाज आज किस दशा पर खड़ा होता। तो हमें सब कुछ सरकार पर ही छोड़कर अपने आप को जो है आत्मसमर्पण नहीं कर देना चाहिए। अगर हमारे समाज में बेदारी होती, जागरूकता होती शिक्षा के प्रति, तो ये जो धन संपन्न लोग हैं जो कहीं से पढ़ लिख कर चले आते हैं, ये अपने परिवार के जीवन तक सीमित रहते हैं,
कभी इन्होंने पूरे लेकिन जावेद भाई नईम भाई तो ये कह रहे हैं कि सारा ठीकरा जो है वो सरकारों पर फोड़ना चाहिए, चाहे पूर्व की हो चाहे प्रेजेंट की हो। देखिए भाई, नईम भाई की बात को मैं दूसरे अंदाज में कह रहा हूँ कि नईम भाई समझेंगे, हम समझेंगे, तब ये हमारा समुदाय आगे बढ़ेगा। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी को तो जो करना था कर दिया। सुभाष भाई एक चीज और समझ लीजिए, ये मदरसा शिक्षा जो है, मदरसों ने कंप्यूटर को मनमोहन सिंह की सरकार के समय ग्रहण किया था, ये कोई भाजपा सरकार की देन नहीं है। आधुनिकीकरण का काम उस समय शुरू हुआ, मॉडर्न टीचर उस समय भर्ती किए गए, मिनी ITI वहाँ मदरसों में चलाई गई, तो मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उसको रोजगार परक शिक्षा की दिशा में भी ले जाने का काम किया। और समाज का एक वर्ग था जिसने, हमारे आलिमों ने, मौलवियों ने और कुछ जो शिक्षाविद थे मध्यम वर्गी, उन लोगों ने इसमें मेहनत भी की है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेहनत उस स्तर की नहीं रही है कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मुकाबला कर सकते, हम लखनऊ के किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज का जो है मुकाबला कर सकते, उस स्तर का हम नहीं बना पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मदरसों को कृपया लांछित करने का प्रयास ना करें, हम चंदे से चलाते रहें, चलाते रहेंगे। अगर सरकार को बोझ पड़ रहा है अनुदान भी वापस ले, आ रहा हूं। पहले शाही साहब के पास फिर आ रहा हूं। सवाल का जवाब दे दूं, हमारा समुदाय भी आपसे, हमारे समुदाय ने कभी रोजगार, ठीक है जावेद भाई सुभाष जी कुछ कह रहे हैं उनकी सुन लेते, फिर आपके पास आते हैं शाही साहब। शाही जावेद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने इस पूरी डिबेट के अंदर अभी तक कहीं पे भी मदरसों को लांछित करने का प्रयास नहीं किया। मैंने आपसे नहीं कहा, आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब दिया, और सभी साथियों से कि लांछित ना किया जाए कि किसी एक भ्रम में, एक कंफ्यूजन में, कि एक एक घटना को कोई निशाना बना के कहे कि मदरसों में ये पढ़ाई होती है, तो कल उसका हम कोई जवाब प्रतिक्रिया स्वरूप दें कि ये पढ़ाई करके कौन आया था। तो ये देखिए, ठीक है, मदरसे हो गए भाई, 24 की तैयारी के लिए भी बताइए जावेद भाई क्या हो रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत बड़े बड़े दावे करने की, मैंने तो अश्वनी भाई को बधाई दे दी, पहले ही कह दिया था कि अश्वनी भाई को बधाई, वो अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनकी रणनीति कारगर है तो अश्वनी भाई को व्यक्तिगत रूप से बधाई है। हम तो नकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, हम जन सरोकार से जुड़कर जनता के मुद्दों के साथ जाकर हम फिर जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमको स्वीकार करेगी। ठीक है जावेद भाई, मैं आता हूँ, स्वीकार करेगी तो उसका आभार है। ठीक है, मैं आता हूँ। शाही साहब, नहीं भाई से आपने अभी सवाल पूछा, उन्होंने भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताया, लेकिन आपने जैसे ही सवाल उनसे पूछा कि आप लोग क्यों राशन लेते हैं, क्यों लेते हैं, तो वो गोल गोल घुमा गए और उन्होंने उस बात को कर दिया कि GST और पेट्रोल और ये उस पर चले गए। स्पष्ट रूप से इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि 3 तलाक इनकी महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो एक कुरीति को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और मुस्लिमों के साथ हम हमेशा रहे, और कहीं भी नहीं भाई इस चीज को आप लोगों ने एक हृदय में जो बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी है, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो हम सबके लिए कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं कर रहे। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ विसंगतियां हैं उसको दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब जावेद भाई और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने अभी चिंतन शिविर किया है, वहां सिर्फ चिंता की गई है युवराज का क्या होगा, और इन्हीं के प्रमोद कृष्णन ने कह दिया कि वहां बनाइए इनको, तो इन लोगों ने चिंतन किया है कि एक जो अध्यक्ष नहीं खोज पा रही पार्टी कई सालों से, उसका भविष्य खत्म है, गर्त में है, अंधकार में है। जावेद भाई NDA के साथी रहे हैं, NDA और में कांग्रेस अग्रणी भूमिका में रही है, एक यही नहीं भाई, आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने भाजपा को बताया है सरकार मतलब मुस्लिम विरोधी। एक समय की बात है कि इस देश में राशन बांटने की बात आई थी, शरद पवार जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, और सुभाष यादव जी को याद होगा, आप इस पर जरा सा अपना वो बताए, अपना थोड़ा सा वो प्रकाश डालिएगा कि उस समय उन्होंने मना कर दिया था कि हम राशन नहीं दे पाएंगे। और अभी जावेद भाई आपने कहा कि निर्यात बंद कर दिया गया है, उससे PDS सिस्टम पर असर पड़ेगा, तो अगर हमारे देश का गेहूं हिंदुस्तान में रहेगा तो उसमें PDS पर कौन सा असर पड़ेगा, और हम अपने देशवासियों के लिए इतना बफर गोदाम है कि हम उनको साल भर तक और साल भर से ऊपर तक फ्री बांटकर खिलाते रहेंगे, वो हमारे पास है। तो NDA में आप भी सहयोगी थे जब शरद यादव जी थे, सॉरी शरद पवार साहब थे खाद्य मंत्री, उस समय क्यों कहा गया था, क्यों नहीं देशवासियों का ख्याल किया गया था, जबकि
कई लाख टन सड़े हुए गेहूं को औने पौने दामों में बेचने और फेंकने का काम किया गया था उन सरकारों के द्वारा। राशन सड़ गया था लेकिन आपने जनता को नहीं दिया था। तो ये है उस सरकार, और आज की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। यही राफेल का सौदा जो हुआ था, जिसके लिए राहुल गांधी हमेशा बवाल करते हैं, उन्होंने कह दिया था एक एंटोनी साहब ने कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, और आज हम लोगों ने उसको मंगा कर दिखा दिया कि हम देश के बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की दोनों की बात करते हैं। हम कभी भी देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की जो मैंने बात की, जो आपके विरोध में जा रहा है, एनडीए हो, समाजवादी पार्टी, सॉरी यूपीए हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी हो, इन लोगों के विरोध में जा रही है कि आप लोग हमेशा एक नेगेटिव। शाही साहब कोनार कुछ कह रहे हैं, इनका सुन लेते फिर आते हैं आपके पास। शाही साहब ये बताइए कि बीजेपी हमेशा हिंदू और मुसलमान या इसी पर डिबेट करेगी? ये बताइए कांग्रेस के राज्य में जो 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1037 रुपए का मिल रहा है, तो देशवासी उस वक्त खुश थे या इस वक्त खुश हैं? पेट्रोल जो 65, नहीं पूरी बात हो जाने दीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर आप जवाब दीजिए। तो जो पेट्रोल 65-70 रुपए में मिल रहा था, आज आप हमें 120 रुपए का दे रहे हो, तो देश की जनता तब खुश थी या आप खुश थी? तो ये हिंदू मुसलमान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये हिंदू मुसलमान और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब व्यक्ति के घर पर और हर गृहिणी के किचन पर आज जो प्रहार हो रहा है ना, आपकी बात आ गई, जवाब लीजिए ना, स्पष्टता से जवाब दे रहा हूँ। और बिल्कुल दीजिए, और बताइए कि सिलेंडर के दाम कब घटेंगे ये भी बता दीजिएगा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत स्पष्टता से जवाब दे रहा हूँ, मुझसे स्पष्ट कोई जवाब नहीं देगा आपको। सब लोग यहाँ बैठे हैं, प्रबुद्ध अगर मोबाइल है खोल लीजिए, 1 जनवरी 2014 को गैस का दाम 1241 था या नहीं, सब लोग खोल ले, गूगल कर लीजिए, 1241 रुपया दाम था या नहीं। एक वो, दूसरा नरसिम्हा राव जी की सरकार रहती है उस समय, जैसे ही हम लोगों ने सरकार छोड़ा, पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम 40% का इजाफा आप लोगों की सरकार में हुआ था, रिकॉर्डेड है, कहीं कुछ नहीं है, ये सारा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो आज की बात मैं करता हूँ, एक चार्ट बनाइए, सुन लीजिए पहले से, अब जवाब सुन लीजिए, बीच में पेट में दर्द नहीं, सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान की बात करिए, चाहे आप उसके पेट्रोल डीजल की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, डॉलर और यूरो की बात कीजिए, आज एक चार्ट बनाइए और स्पष्ट रूप से अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके देखिए कि भारत किस स्थान पर खड़ा है और विश्व के और देश के स्थान पर खड़ा है। आज यूरो क्या स्थिति है और रुपया अभी भी उनके हिसाब से बहुत मजबूत है, और हम आज जो पूरे विश्व में जो क्राइसिस चल रही है, 151 पे खड़ा है देश हमारा, विश्व की 195 देशों में, 195 देशों में 151 की उस पे आ गया है हमारी ढोल बजा रहे जी। आप अभी अभी तक के अभी आप जो है उसके हैं, बताएंगे शाही जी, थोड़ा सा आप गणित को जरा सा देखिए, थोड़ा विवेक से सोचिए। किस चीज में भाई मेरे बताएंगे, किस चीज में 151 पर आ गया है, कब तक के लाएंगे? पहले आप गैस के और सीएनजी के कब तक के आप बताएंगे? कांग्रेसियों के पास जवाब नहीं है, किस चीज में 151 पर आ गया बताइए। नहीं, कांग्रेस से भी लिया जाएगा, बताइए कांग्रेस किस चीज में। क्या बीजेपी सिर्फ अंबानी और अडानी के साथ गठबंधन करेगी? मैं बताता हूँ, अंबानी और अडानी के साथ ही सरकार चलाएगी? ये पेट में कांग्रेसियों के क्यों कर सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब तो ले। तो मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, तब तो जवाब देंगे। सुन लिया, कितने सवाल करेंगे, जवाब तो नहीं पा रहे आप, आप जवाब नहीं सुन रहे प्रभु, जवाब। अच्छा अच्छा, जवाब दीजिए, मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप जवाब दीजिए। हाँ, अंबानी अडानी के नाम के लिए भी सुन लीजिए, चिमन भाई पटेल आपके मुख्यमंत्री थे, मुद्रा पोर्ट किसने अडानी को दिया ये नोट कर लीजिए, अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री है, सैकड़ों एकड़ जमीन किसने दी अडानी को, आपके मुख्यमंत्री ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, वहां पर बफर गोदाम बनाने के लिए अडानी को जगह किसने दी, आपने दी, और नाम भारतीय पार्टी किसने दिया, किसने दिया बताइए ना, इस पर भी प्रकाश डालिए थोड़ा सा। अरे भाई जो मैंने अडानी अंबानी की बात की, आपने कहा रिलायंस डिफेंस रैफल किसने दिया ये बताइए, क्या अब सुनाई नहीं पड़ रहा है आपको? होता है, मैं समझ सकता हूँ, रैफेल किसने दिया? रैफेल का सौदा एके एंटोनी ने रद्द कर दिया था कि मेरे भाजपा ने दे दिया, भाजपा ने अपने अपने व्यापारी अडानी जी को अंबानी जी को दे दिया, क्यों दिया ये बताइए, दिया भाई क्यों दिया,
मुंद्रा पोर्ट आपने क्यों दे दिया? तो आज से 27 साल से भारतीय जनता पार्टी, आप जवाब नहीं देंगे, आप उससे मुंद्रा पोर्ट पूछेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि राफेल क्यों दिया। सरकार आपकी है इसलिए पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है। 27 साल पहले आपने दे दिया, उसकी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्यों दे दिया इसकी चर्चा करेंगे, यही है आपकी पार्टी। आज सरकार आपकी है, पहला प्रश्न आपसे बनता है शाही जी, सरकार आपकी है, सबसे पहली जिम्मेदारी जवाब देने की आपकी है। मैंने जवाब दिया, बीच में मैंने नहीं बोला, मैंने एक एक पॉइंट का टू दी पॉइंट जवाब दिया है। मैंने पूछा तो राफेल क्यों दिया, इसका जवाब किसी ने सुना हो तो वो मुझे बता दे, राफेल क्यों दिया जवाब नहीं है। ठीक है प्लीज, ठीक समझ सकते हैं, देश की जनता समझ रही है। ठीक है प्लीज, बात पूरी कर लीजिए अपनी, फिर हम आगे चलते हैं। शाही साहब जी, नितिन जी देखिए, ये अभी क्या है, हम 24 की जो तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस आज की चिंतन शिविर हुआ, मैं आज की बात बताऊं, गुजरात के जो इनके अध्यक्ष थे वो इस्तीफा देकर चले गए, यहाँ के जो है राजस्थान का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और एमएलए आज इस्तीफा देकर चला गया, यही है इनकी कांग्रेस की स्थिति। उत्तर प्रदेश में आ गए, लेकिन ऊपर जाके जवाब देना ये ध्यान रखिएगा। अरे ऊपर का कोई जब जाएगा, ऊपर किसी ने देखा नहीं है, पहले यहाँ देखिए आपके युवराज का जो राष्ट्रीय विदूषक है उनकी क्या स्थिति है। आज आप लोग प्रधानमंत्री कई साल से बना रहे हैं, धक्का दे दिखाइए ना, दिखाइए राहुल दे दिया, राहुल गांधी के ऊपर एक रुपए का दिखा के दिखाइए ना, एक रुपए का भी आप बताइए। ठीक है प्लीज, जवाब नहीं है आपके पास, देश देख रहे भाई, सब जवाब आपके पास है, इसीलिए 6% से 2% पर आ गए। एक अश्विनी जी से मेरा सवाल है, अश्विनी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा के पास में कोई जादुई छड़ी है जो इलेक्शन से पहले वो डिक्लेरेशन करने लगती है कि मेरा 325 का आंकड़ा पार हो जाएगा, तो ये आप लोग हमें बता दीजिए ये कहाँ से आप लोग लाते हैं। हमारे या एबीएम भाई देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एबीएम आपकी जेब में है, पश्चिम बंगाल में नहीं रोए, पंजाब में नहीं रोए, छत्तीसगढ़ में नहीं रोए, गुजरात में नहीं रोए, फिर ईवीएम, आपका पूरा जितना मंत्री था, जैसे आपका दिल्ली का इलेक्शन हुआ था पूरा आपका मंत्री से अमित शाह से लेकर सारा का सारा मंत्री लगा रहा, वहाँ कुछ नहीं कर पाया, वहाँ ईवीएम में नहीं वोट पड़ा था क्या, केजरीवाल का मुफ्त की चीजें, वहाँ बैलेट शिक्षा से लेकर सब कुछ, देखिए बैलेट पेपर वहाँ पे भी पड़ा था। हाँ मैं बता रहा हूँ 2022 की 66 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ है, जो सापा बहुत ही कम अंतर से जीती है, कहीं पे 500 कहीं पे 1000, वो 2000 से कम के मार्जिन में वो 66 सीटों का खेल पूरे पूरे बिल्कुल साफ दिखता है, बिल्कुल साफ। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, ठीक है, ईवीएम का रोना दिल्ली में नहीं रोएंगे, दिल्ली में बैलेट से पड़ा था और यहाँ ईवीएम कर लिया, चलिए हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। ठीक है नहीं भाई, ठीक, सुभाष जी क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, अभी आपने जो बोला कि ईवीएम के अंदर घपला है, ईवीएम के अंदर जो दोष आपने बताया, सबसे पहली बात तो आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम के अंदर घपला है या ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो सबसे पहला सवाल आपको अश्विनी साई जी से न पूछने की जगह आपको जावेद जी से पूछना चाहिए था। देखिए आप सुनिए, आपको अश्विनी जी से सवाल पूछने की जगह आपको ममता बनर्जी सवाल पूछना चाहिए, आपको अश्विनी साई जी से पूछने की बजाय आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए। विपक्ष जहां जहां पर जीत जाता है वहां पे भैया ईवीएम बहुत अच्छी है, जहां पे विपक्ष हार जाता है वहां पे ईवीएम दोषी है। तो नईम भाई, अगर आपको लगता है ईवीएम के अंदर दोष है तो आप एक मुहिम चालू क्यों नहीं कर देते? आप सुन लीजिए, आप सारे विपक्षी नेताओं को एक मंच पर क्यों नहीं लेके आते कि सारे लोग ईवीएम से चुनाव का बाइकॉट करें, बहिष्कार करें, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, लेकिन एक भी विपक्ष का नेता तो ये बात तो नहीं बोलता है। तो देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है ना, बहुत से बोले हैं, कोई नहीं बोले हैं, सब एसी कमरों के अंदर बोलते हैं, सब एसी कमरे के अंदर बैठ के बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बात सुन लीजिए, हार की वजह है जिस मुल्क में जापान में, सुन तो लीजिए, देखिए मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता ना, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुन लीजिए, पहली बात तो ये आप लोग हर जगह हार रहे हैं, हारने की वजह तलाशने की जगह आप लोग जो बार 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 ईवीएम का जो ठीकरा फोड़ते हैं ना, तो करा दीजिए पार्लियामेंट ना, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है। दूध का दूध, मैं तो बोल तो रहा हूँ ना कि आपके विपक्ष के नेताओं से आप आह्वान करिए ना, मैं विपक्ष आह्वान करिए ना, आपके सामने जावेद भाई बैठे हैं, बोलिए, नहीं नहीं
आपके सामने जावेद भाई बैठे बोलिए उनके सुप्रीम बोलेंगे आपके सामने बैठे हुए बोलिए इनसे बोलिए कि इनके राहुल गांधी सोनिया गांधी इसका बहिष्कार करें क्यों नहीं बहिष्कार करते आप लोग ईवीएम का बहिष्कार तो करते नहीं है चुनाव में जाते हारते राजस्थान के अंदर आप लोग कैसे जीते राजस्थान में कांग्रेस जीती ना क्या ईवीएम से जीती या किससे जीती बैलेट पेपर से तो नहीं जीती ना यार आप लोग हार जाते हो तो ईवीएम दोषी है जीत जाते हो तो वाह वाह अरे हार की वजह को तलाशो विपक्ष का जो ठीक रहेगा सबसे बड़ी वजह है ना यही है ईवीएम दोषी ईवीएम दोषी है हार के ऊपर कभी मंथन नहीं होता है सिर्फ एक छोटी सी घटना का जिक्र बनाएंगे आपने हार गए तो भैया ईवीएम दोषी है जीत गए तो वाह आप लोग जो है सब तोड़ जोड़ की वो करते हैं पॉलिटिक्स राजस्थान को पूरी दुनिया ने देखा मध्य प्रदेश का पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके की तोड़फोड़ की राजनीति की जाती है सारे विधायक को लेके सब अपने होटलों में रखते हैं यहाँ से लेते हैं सब पैसा आज जो कांग्रेस के साथ में माधवराव सिंधिया के पुत्र साहब कितने एक जमाने से जो कसम खाते थे हैं वो आज कहाँ चले गए आज उनका क्या है मैं पूछता हूँ जितिन साहब आज चले गए हैं आज क्या उनका हाल है तो उसमें क्या बीजेपी का क्या क्या गलती है भाई बीजेपी दिखाना चाहती है कि हर वर्ग को हम लोग उसको साथ में है हमारे नितिन जी भाई इनकी पार्टी में कोई आता है तो ये नहीं बोलेंगे आप लोगों का काम तो यही कर रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर आप लोग तो हमारे विपक्षी है दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई तो मुस्लिम स्कॉलर शाही जी ये बताइए कि आपके यहाँ भाजपा कार्यालय में कौन सी वॉशिंग मशीन रखी है कि जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस में भ्रष्टाचारी होते हैं आप कुछ चैनलों पर बैठ के उनके खिलाफ के ये भ्रष्टाचारी हैं जैसे आप अभी भी बोल रहे थे लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आ जाते हैं तो वो दूध के दूल्हे कैसे हो जाते हैं एक बार जाके देख लीजिए ये बताइए जिस दिन प्रसाद जी को जिस दिन आप लोगों ने जिस दिन पार्टी से उन्होंने छोड़ा था उस दिन कांग्रेस के जावेद भाई उस समय कांग्रेस में था मुझे याद है मैं जावेद भाई के साथ बैठा हुआ था डिबेट पर और मैंने इस बात को उठाया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया था कि ये तो कूड़ेदान में थे हमारे यहाँ तो भाई हम तो कूड़ेदान से उठाकर ले आते हैं उनको सजाते सवारते हैं मंत्री बना देते हैं नहीं तो एक हमारे माननीय सुन लीजिए एक माननीय मुख्यमंत्री आसाम है जिनको राहुल गांधी ने साल भर मिलने का टाइम नहीं दिया जब मिलने का टाइम दिया तो कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे उनको हमने उठाया और माननीय मुख्यमंत्री बना दिया तो भाई हम तो ये काम करते हैं बाकी आपका आप जाने कि कौन सी वॉशिंग मशीन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था देते हैं ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था मैंने कहा कि जब जब वो कांग्रेस में होते हैं भ्रष्टाचारी होते हैं भाजपा में जाके वॉशिंग मशीन में धूल कैसे जाते हैं जवाब ये भाई हम सम्मान देते हैं हमने कहा जी हम सम्मान अच्छा तो देते सम्मान देने से अगर वो भ्रष्टाचारी है तो सम्मान देने से साफ हो जाता है कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं मिलते नहीं है उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं मैं तो मिलता हूँ ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है कि हम सम्मान देते हैं और इसीलिए राहुल गांधी के अगल बगल के देखिए जितिन प्रसाद माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया आरपीएन सिंह सारे जो आपके राष्ट्रीय विदूषक के जो है करीब थे वो सब किनारे आ गए और वो विदूषक वहीं रह गए आप लोग कुछ भी कितना धोइए तीनों पाल लगाइए चमकने वाले नहीं है 500 करोड़ रुपए से 2014 में चमकाने की व्यवस्था की गई थी उनको लेकिन उस समय शरद पवार जी का भी एक बयान आया था कि 14.5 करोड़ युवाओं को हम देख नहीं पाए और 500 करोड़ इसके ऊपर खर्चा मैं आपकी बात से बिल्कुल भाजपा भ्रष्टाचारियों को साफ करने में नंबर एक पार्टी है मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मुझे कोई इसमें कहने में कोई कष्ट नहीं है और सब जान रहे हैं क्योंकि वही बात है उठाया कूड़े से दिखाया तो ये भावनाओं की बातें मत करिए आपने इस देश को इस प्रदेश को बहुत भावनाओं में भाई आपके ट्विटर हैंडल से आया था हम थोड़े कह रहे हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल हमने तो उनको सम्मान दिया ठीक है ठीक है जावेद भाई के पास चलिए जावेद भाई क्या कहना है आपका देखिए जो चर्चा चल रही है चुनाव की तैयारी के संबंध में देखिए बहुत इधर उधर नहीं राजनीति जो है राजनीति का जो पूरा परिदृश्य है वो पिछले 4 दशकों में इस देश ने बहुत बदलते हुए देखा है हम आप सब देख रहे हैं कि अब राजनीति की दशा और दिशा की तरफ है अब तो व्यक्ति एक दिन आता है आज शामिल हुआ पार्टी में कुर्ता पैजामा सदरी और कल वो प्रदेश का या राष्ट्र का पदाधिकारी हो जाना चाहता है परसों वो सांसद या विधायक हो जाना चाहता है उसके बाद मंत्री हो जाना चाहता है राजनीति जो है अवकाश विहीन व्यवसाय कह लीजिए अवकाशहीन काम कह लीजिए इसको कुछ भी सेवा भाव कह लीजिए राजनीति में जिस दल ने भी हॉलीडे मनाने का सिस्टम कर लिया उस राजनीतिक दल का और कार्यकर्ता विहीन जब पार्टी हो जाएगी
कोई भी दल हो, किसी चाहे वो हमारा दल हो या कोई भी दल हो, जब वो कार्यकर्ता विहीन हो जाएगी और मैनेजरों से लैस हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपने सिद्धांत अपने विचार वो जनता तक नहीं ले जा सकती है। हमें ये देखना चाहिए चाहे वो हमारा विरोधी क्यों ना हो, हमें उस विरोधी की जो अच्छी चीजें हैं उसका उसका भी सम्मान करना चाहिए। देखिए वैचारिक विरोध ये तो इस देश के अंदर नहीं, जब से इस धरती का उद्भव हुआ है, जब से मानव की संस्कृति आई है, उस समय तक विरोध वैचारिक तो चला है और वो चलता रहेगा, इसको हम आप कभी भी रोक नहीं सकते। वैचारिक विमर्श भी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी वो फिर अपनी ऊंचाई की तरफ जाएगा। जो राजनीतिक दल जो नेतृत्व तो अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेगा, जो नेता जनता से सीधा संवाद करेगा, जो जनता के बीच में गांव गवाई की राजनीति को समझने का प्रयास करेगा, जो खेत की मेड़ पर बैठने का काम करेगा, वो कोई हो, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे लिए भी है। वही नहीं, नहीं जावेद भाई, दर्द आपका मुझे महसूस हो रहा है, जो पिछला दर्द आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं समझ रहा था आप यही कहेंगे। नहीं, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल रहे हैं शायद। नहीं नहीं, देखे जो जो भी हो, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन कोई नकारात्मक राजनीति की तरफ जाए। लेकिन इस तरह से तो नुकसान हो जाएगा ना 24 में। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, अखिलेश जी को कौन सा नुकसान है, अखिलेश जी तो लगातार पूरे दिन कार्यालय में बैठते हैं, जब जहाँ कोई घटना होती है वहाँ भी चल दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस पर कटाक्ष है क्या जावेद भाई? है ना, अब हम मोदी जी की तरह तो है नहीं कि परसों लुम्बिनी में बोल दिए कि मेरा तो महात्मा बौद्ध से बहुत पुराना रिश्ता है, वडनगर में जहाँ रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे वहाँ पर बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, तो भैया वहाँ की भी खुदाई करा के रेलवे स्टेशन खत्म करा दो। मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितने दिन आश्रम में बिताए, कितने दिन उन्होंने विश्वविद्यालय में कॉलेज में शिक्षा ली। अरे कम से कम देश को मजबूत कर रहा है, इतना ये समझिए जावेद भाई, अब आश्रम और उस पर मत जाइए, आज पूरे विश्व का एक मजबूत नेता आपका प्रधानमंत्री है, इस पर जाइए, गर्व करिए। कभी नानक से मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ कहाँ से ले आते हैं और कहाँ छोड़ देते हैं। घटना 2017 में मैं आया था, इंटर करके 12वीं में जी, 12वीं का और डिग्री आज तक किसी ने नहीं देखी, डिग्री गोल है, चाहे पॉलिटिकल साइंस कहाँ है। अच्छा, इतनी कमियां होने के बावजूद वो पब्लिक का वोट बटोर रहे हैं, ये भी तो है, मैं वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये कुंठा है ना, ये प्राणवायु निकाल रहे हैं लोग, नितिन जी ये प्राणवायु निकाल रहे हैं, ये कुंठा बोल रही है। मदारी का खेल ज्यादा नहीं चलता, मदारी का खेल दिखाता था, बाद में खून खच्चर होता था, बच्चों को कसम देता था कि पैसे दे के जाओ नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, हम लोग डर की वजह से भागते थे। तो वही अब राजनीति सिद्धांत और चलिए ठीक है, समय कम है, इसका समय भी ज्यादा नहीं है। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देश में अब राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में लगे हुए हैं और बीजेपी साफ तौर पर जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वहां पर बेहतर कर लिया तो एक बार फिर से केंद्र में वो काबिज हो जाएगी, और इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेनिंग देते हुए उत्तर प्रदेश के नेता मंत्रियों को दिखाई दिए हैं। लेकिन विपक्षियों को भी इनसे काफ़ी कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है अगर 24 में उन्हें टक्कर देनी है। तो आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।